हाय फ्रेंड्स, मैं वरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम ईरानियन चैंपियनशिप की है, जहां प्रम मगझुलू ने ईरानियन चैंपियनशिप को बहुत ही कन्विंसिंगली जीता है। फ्रेंड्स, 5वें राउंड में एक बहुत ही कमाल की गेम प्रम मगझुलू ने खेली थी, जो उनके ही ईरानियन कंपेनियन अमीन तबतबाई के साथ थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा गेम को शुरू करते हैं। प्रम मगझुलू ने यहाँ शुरू किया d4 के साथ, तो अमीन तबतबाई ने यहाँ नाइट f3 f6 खेला, c4 e6 नाइट c3। तो निम्सो इंडियन डिफेंस यहाँ तबतबाई ने इनिशिएट किया अपने बिशप को b4 स्क्वायर पर ले जाकर, देन हुआ e3 कैसल बाय ब्लैक, बिशप d2 देन c5 a3 बिशप पर अटैक। फाइनली बिशप के साथ कुछ ना कुछ डिसाइडिव करना ही होगा, तो तबतबाई ने यहाँ किया बिशप टेक c3, बिशप टेक c3 देन नाइट e4 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा वही इस डार्क स्क्वायर बिशप पर अटैक है। तो नाइट e2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, b6 देन d5। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ डेवलपमेंट की बात करूं तो ब्लैक के कम से कम ये 3 पीसेस अभी तक डेवलप नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ व्हाइट का लाइट स्क्वाड बिशप आराम से इजीली डेवलप नहीं हो सकता। वो सिर्फ इस बात का पर डिपेंड करता है कि ब्लैक कब यहाँ अपने नाइट से बिशप को लेगा, फिर नाइट टेक से c3 व्हाइट करेगा, उसके बाद बिशप का डेवलपमेंट का रास्ता यहाँ खुलेगा। खैर, यहाँ d6 का मूव पहले ब्लैक ने चला, देन क्वीन c2 नाइट पर अटैक है, और अब ब्लैक क्या करे। एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन ब्लैक के लिए e takes d5 की है, और यहाँ इस नाइट पर पॉन का डिफेंस आ सकता है, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है देन नाइट f4 जैसा कोई मूव, अगर मान लेते हैं कि व्हाइट खेलता है ताकि वो यहाँ इस d5 पॉन को ले सके, देन नाइट टेक c3 पहले यहाँ पर ब्लैक करेगा, b takes c3 होने के बाद देन नाइट c6, फर्दर ये गेम आगे डेवलप हो सकती है। पर आइए वही देखते हैं जो यहाँ इस गेम में हुआ। नाइट टेक c3 यहाँ पर पहले ब्लैक ने किया, नाइट टेक c3 होने के बाद हुआ e5। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कनेक्शंस करने की, लेकिन यहाँ प्रहम मगसुदू ने कैसल किया नाइट a6। फ्रेंड्स, ब्लैक की प्रॉब्लम जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उसको अपने पीसेस डेवलप करने में, खासकर ये नाइट और लाइट स्क्वाड बिशप, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और ऊपर से जिस तरह से यहाँ ब्लैक ने इस नाइट को डेवलप किया है, आखिर ये नाइट आगे जाएगा कहाँ? माइट भी अगर ये नाइट f6 स्क्वायर पर जाएगा जाता तो शायद ये ज्यादा शॉर्टर मेथड होता है। देखते हैं यहाँ पर अब व्हाइट क्या, व्हाइट के पास रास्ता है अपने लाइट स्क्वायर बिशप को डेवलप करने का एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर, लेकिन यहाँ मकसूद ने पहले अपने f1 को आगे पुश किया, e takes f4 देन हुआ नाइट c7। मुझे ब्लैक के नाइट को लेकर अभी भी काफी संशय है, शायद इस पॉन को आगे पुश करना, लेकिन उसके बाद भी कोई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर मिलेगा ब्लैक को। बिशप d3 देन हुआ f5, यही एकमात्र तरीका था शायद इस डेंजरस अटैक को रोकने का, लेकिन मकसूद को इसी तरह की वीकनेसेस शायद पसंद है। यहाँ ब्लैक ने अपने इस एफ पॉन को आगे पुश किया इस डेंजरस अटैक से बचने के लिए, तो मकसूद ने इसी पॉन को डिफ्लेक्ट करवाने के लिए अपने जी पॉन को आगे पुश किया। ऑब्वियस है, f takes g4 क्वेश्चन में नहीं होगा, अदरवाइज यहाँ f7 पॉन ब्लैक को गंवाना पड़ जाएगा। क्वीन h4 देन हुआ h3, बिशप d7, तो क्वीन b1 स्क्वायर पर। फाइनली ये बिशप d7 स्क्वायर पर आने का मतलब कभी ना कभी ब्लैक यहाँ इस बी पॉन को आगे जरूर पुश करेगा, लेकिन फिलहाल की कंडीशन में नहीं हो सकता। क्वीन f6 देन रुक एट h गोज टू g1। फ्रेंड्स, यहाँ मकसूदलू ने अपने रुक को मूव किया, ज्यादा बेटर था कि शायद ये जी पॉन भी आगे पुश हो सकता है। कर देखते हैं, रुक एट a गोज टू e8 देन रुक g3 स्क्वायर पर, रुक e7 देन रुक एट d गोज टू g1। फाइनली अब ये जी पॉन आगे पुश होना ही है, किंग गया h8 स्क्वायर पर, किंग a1 देन g6, g5 क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई d4 स्क्वायर पर। बहुत स्ट्रांग मूव नहीं है क्योंकि नाइट e2 यहाँ पहले व्हाइट का मूव आया, दोबारा क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई g7 स्क्वायर पर, देन हुआ h4, तो b5। फाइनली जैसा मैं एक्सपेक्टेड था कि ये बी पॉन आगे कभी ना कभी पुश होने ही वाला है, लेकिन उससे पहले व्हाइट का अटैक इतना स्ट्रांग हो चुका है। आप यहाँ देखिए, मकसूदलू ने यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया h5 स्क्वायर पर, और क्या यहाँ g takes h5 की ऑप्शन कंसिडरेबल नहीं थी? बिल्कुल थी, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक्स व्हाइट के एच फाइल में आते, और फर्दर यहाँ इस एच फाइव स्क्वायर पर काफी प्रेशर बनता, माइट भी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ अटैक बन सकता था।
लेकिन देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ ब्लैक ने किंग को G8 स्क्वायर पर प्लेस किया। मेरे ख्याल से आउट ऑफ आइडियाज यहाँ अब तक तबाही हो चुके हैं। एच टेक्स जी सिक्स और फाइनली मक्सुदलू को जो डिजायर्ड पोजीशन थी इस गेम की बोर्ड की, वो ने यहाँ मिल चुकी है। H5 क्लियरली ओपन, तो रुक H3 ऑब्वियस मूव है, व्हाइट का आना ही है। Bxc3 हुआ, देन Bxc4, सॉरी Bxc4 देन Bxc4। रुक एट एफ गोज टू E8 और यहाँ इस नाइट पर ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो रुक एट जी गोज टू H1 और फाइनली दोनों रुक ऐसे स्क्वायर पर आ चुके हैं कि वो यहाँ ब्लैक को परेशान करने के लिए काफी। लेकिन एग्जैक्टली इस पॉइंट पर क्वीन के बदले में दो रुक देना फिलहाल कोई बहुत अच्छी कंडीशन में व्हाइट के लिए नहीं कहूंगा। खैर यहाँ अब क्या किया जा सकता है ब्लैक के लिए? रुक को E3 स्क्वायर पर लाना एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन यहाँ नाइट को B5 स्क्वायर पर पहले ब्लैक ने लिया। देन हुआ क्वीन D2 और क्वीन का D2 स्क्वायर पर आना, क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ इस तरह के मूव नजर आ ही रहे हैं। अमीन तबतबाई ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, उन्होंने यहाँ अपने नाइट को D4 स्क्वायर पर रखा। देन हुआ नाइट टेक्स D4, सी टेक्स D4, देन किंग A2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स अब क्या किया जाए इस गेम? ब्लैक यहाँ अपने रुक को C8 स्क्वायर पर ना ले जाए, अपने अटैक के एंगल को चेंज करने की कोशिश करें। खैर यहाँ हुआ था रुक E3, थोड़ा लेट हो चुका है इस मूव के लिए। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर रुक H8 चेक क्या किया जा सकता है? हो तो सकता है क्वीन टेक्स H8 दोनों रुक्स देकर यहाँ ब्लैक की क्वीन तो ली जा सकती है। रुक टेक्स H8 चेक, किंग टेक्स H8, देन क्वीन H2 चेक, किंग G8, या फिर G7 स्क्वायर पर जहां भी आए अगले मूव में यहाँ व्हाइट की क्वीन H6 स्क्वायर पर आकर काफी स्ट्रांग अटैक बना चुकी है। खैर वैसे यहाँ मक्सुदलू ने अपने रुक को H6 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन हुआ D3 और फ्रेंड्स D3 के आखिर प्लान्स क्या है? यहाँ तबतबाई का प्लान है अपने रुक को E2 स्क्वायर पर लेकर जाने का और उसके बाद यहाँ डायरेक्टली B2 स्क्वायर पर एक बहुत स्ट्रांग चेकमेटिंग थ्रेट देने का। खैर बिशप टेक्स D3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, क्वीन D4 और यहाँ इस बिशप को पिन किया। पहली नजर में लगता है बहुत स्ट्रांग मूव, लेकिन मक्सुदलू का अटैक फ्रेंड्स कमाल का था और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और प्रहम मक्सुदलू का वो मूव ढूंढे जिसे चलने के बाद यहाँ अमीन तबतबाई ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स जो मूव आपने ढूंढा है अगर वो बिशप B5 है तो कंग्रेचुलेशन, आप यहाँ बिल्कुल सही है। यहाँ मक्सुदलू ने डायरेक्टली अपने क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया था और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको अपने ओपोनेंट की गेम में कोई टैक्टिक्स लगानी है तो आप सबसे पहले उस पीस को ढूंढें जो अनडिफेंडेड हो या उस पीस को जो अनडिफेंडेड करवाया जा सकता हो। ब्लैक की गेम में यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लाइट स्क्वाड बिशप अनडिफेंडेड है। फिलहाल यहाँ पर ब्लैक को ऑप्शन दी है क्वीन लेने के लिए मक्सुदलू ने, लेकिन अगर यहां से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्या ब्लैक यहाँ क्वीन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट कर सकता है? एग्जैक्टली नो। क्वीन टेक्स D2 अगर यहाँ ब्लैक ने कर भी दिया तो उसके बाद होगा रुक H8 चेक, किंग 7th रैंक में आएगा और इस किंग के लिए 6th रैंक का कोई भी एस्केपिंग स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, तो इसी वजह से दूसरे रुक की चेक के बाद यहाँ ब्लैक चेकमेट हो चुका होगा। दूसरी ऑप्शन कि अगर यहाँ पर ब्लैक अपने क्वीन को बचे सपोज G7 स्क्वायर पर, तो उसके बाद लाइट स्क्वायर बिशप ब्लैक को गंवाना पड़ेगा बिशप टेक्स D7, और बिशप टेक्स D7 होने के बाद ऑब्वियस है क्वीन टेक्स D7 इज नॉट एन ऑप्शन जस्ट बिकॉज ऑफ डी टेक्स सॉरी रुक H8 चेक होगा, किंग 7th रैंक में आएगा, देन रुक H7 चेक होगा और ये फिर दोबारा मेट होगी। तो इस पॉइंट पर अब ब्लैक के सामने क्वेश्चन है कि वो करे तो करे क्या? बिशप तो ऑलरेडी उसके हाथ से जा चुका होगा, तो अब क्या वो रुक को बचाने की कोशिश करे? लेकिन यहां से भी कुछ आराम से नहीं मिलता है यहाँ पर ब्लैक। यहां मान लेते हैं कि अगर रुक E7 जैसी ऑप्शन ब्लैक कंसिडर करता है तो उसके बाद होगा बिशप E6 चेक, और यहाँ दूसरे रुक की सप्लाई लाइन डिफेंडिंग लाइन यू कैन से दैट वो डिस्कनेक्ट हो चुकी होगी, तो ब्लैक को यहाँ करना ही होगा रुक टेक्स C3। डी टेक्स E6 होने के बाद रुक टेक्स E6 होगा, लेकिन उसके बाद भी ये रुक नहीं बचता है क्योंकि क्वीन D5 जैसी ऑप्शन यहाँ पर पहले व्हाइट कंसिडर करेगा और वो यहाँ इस रुक को पिन कर चुका हो, और उसके बाद फ्रेंड्स कितनी देर लगनी है इस क्वीन के बदले में यहाँ अपने दोनों रुक देने के बाद यहाँ ब्लैक को अपना ये रुक भी गंवाना पड़ेगा। तो ब्रिलियंट मूव था फ्रेंड्स यहाँ बिशप के D5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज
सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।